गांव कुकड़ावाड़ी से स्नेकमैन पवन जोगपाल के पास फोन आया कि एक गैस सिलेंडर के सुराख में सांप फंसा हुआ है। सरकारी स्कूल के गैस सिलेंडर में उसके थल्ले के नीचे बने सुराख में ये सांप बुरी तरह फंस गया। उसने जाकर देखा और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सिलेंडर को कट मारकर सांप को बाहर निकाला गया। लंबे समय लगने के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। काफी देर सांप फंसा रहने से उसके बाद उसे मरम पट्टी भी लगाकर जंगल में रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। देखें यह पूरी रिपोर्ट किस तरह से सांप को सिलेंडर में कट मारकर निकाला जाता है और फिर किस तरह से मरम पट्टी करके जंगल में छोड़ा जाता है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। तो यूपी साइड में ने केरला इली साइड के अंदर हो गए थाने पीले पीले अपने गोल्डन बोतल ऊपर निशान दिखे हो थाने और इनको जब छोटो बच्चों है गोनी से थाने निशान दिखे हो जिसको इच्छा दी रखने कौन ये कौन ये कौन कर रहा है हाँ तो कमा तो जो दिक्कत ही दुकान पर रखा गया बड़ी बात ही तो कटर चलाए जिंदगी पानी लिए बोतल में गाल के या फिर डब्बा में किस्मत अच्छी मानते जो तेने मारियो को तेने बता मरना की है कई जगह लोग अब यो देख लो कोबरा की ही पहचानो कोबरा जब सांप बनी दुनिया के अंदर है तो वो यहाँ सोच लो फण फैलावे को ठीक है इनके अलावा और कोई सांप नहीं फण कौन फैलावे ये भी निशान तो बोली है निशान की वजह जब छोटो है वो नहीं मसान दिखाऊं फोटो काल पर्ची मरे इसको फिर छोटा होगा नहीं तो बंग है निशान है एकदम थाने दिया जो दिखे नहीं यूपी साइड में पढ़ने में पूजा सकल का कोबरा है दिशा थाने सामने दिखेगा जैसे जैसे साल का आसपास में क्रॉस कर जाएगा ना बड़ा हो जाएगा तो बीत रही है वो इनको निशानों गायब होते थे क्योंकि काला रंग में वो निशान दिखा को नहीं तो वहाँ वो देख कट्टे आ कट्टे मुँह बड़ा फंस गया बस रात में देखा पा गया गया पास कुछ आटा कोई नहीं किया बहुत खतरनाक
ड्रेस ज्यादा है यो Thank you.